एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। बेसिक गार्डनिंग वीडियो नंबर 4। कौन से कंटेनर आप लेंगे सीडलिंग करने के लिए और किस तरीके से लगाएंगे अपने सीड्स को सॉइल मिक्स में। बहुत कंफ्यूजन होता है सभी लोगों को कि शुरुआती दौर में हम किस तरीके के कंटेनर का इस्तेमाल करें सीड्स लगाने के लिए। मैं आपसे कहूंगी कि आप कंटेनर को लेकर ज्यादा कंफ्यूज ना हो। घर में इस्तेमाल होने वाला हर वो कंटेनर जिसे आप अक्सर यूज करने के बाद फेंक देते हैं, जैसे कि कुकी बॉक्स आते हैं आजकल, मिठाइयों के डब्बे, इस तरीके के प्लास्टिक कंटेनर्स, छोटे छोटे ग्लास कप्स, बहुत कुछ अवेलेबल होता है हमारे ही घर में जिसे हम फर्स्ट यूज के बाद फेंक देते हैं। इसे फेंकिए नहीं, इसे इस्तेमाल कीजिए सीलिंग करने के लिए, कटिंग ग्रो करने के लिए। साथ ही अगर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो बाजार में इस तरीके की सीडलिंग ट्रेज भी अवेलेबल होती है, आप उनको लाकर भी यूज कर सकते हैं। चॉइस आपके पास होती है कि आप किसी भी तरीके का कंटेनर सिलेक्ट करें। ध्यान बस ये रखना है कि शुरुआती दौर में एक मीडियम और छोटा कंटेनर हो तो ज्यादा अच्छा होता है। हर पौधे को उसके हिसाब से सिंगलली ग्रो करें तो ज्यादा बेटर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। बेसिक तरीके से जब कोई शुरुआत करता है तो अक्सर पौधे को पानी कितना देना है, कितना नहीं, कब देना है, ये सब कुछ अगर आप एक मीडियम साइज कंटेनर में रख के शुरू करेंगे तो आपके लिए काफी आसान होगा उसे कैरी करना और समझना। एक बार पौधा ग्रो हो जाए उसके बाद आप जब उसे बिग कंटेनर में शिफ्ट करते हो तब तक वो मजबूत रेडी हो जाए, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप छोटे साइज के कंटेनर से शुरुआत करें। सो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। कंटेनर कौन सा लेना है इसका कंफ्यूजन तो मैंने आप लोगों का दूर कर दिया होगा गाइस, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब हम आगे बढ़ते हैं सीड्स को कैसे लगाना है इस मेथड पर। तीन तरह की सॉइल बनाना बताया था मैंने आपको अपने वीडियो नंबर 2 में, और इसी सॉइल का इस्तेमाल करूंगी मैं अपने वेजिटेबल्स को लगाने के लिए। मकसद बस इतना है कि आप लोग ये समझ सकें कि अगर आपने इस सॉइल मिक्स का यूज किया तो आपको क्या और कैसा रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 5 तरह की सब्जियों के बीज लगाने की मेथड। कितना डीप को लगाना है उन्हें ये भी बताऊंगी, और इनको जब मैं शिफ्ट करूंगी दूसरे कंटेनर्स में तब तक का पूरा अपडेट आपको मिलेगा मेरे इन वीडियोज में। चलिए गाइज, मैं सबसे पहले कंटेनर को फिल कर लेती हूँ इस सॉइल से। ड्रेनेज होल को बिना कवर किए मैं डायरेक्ट अपनी सॉइल फिल कर रही हूँ इस ट्रे में, और ट्रे के ऊपर तक की सरफेस तक हमें सॉइल भरनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीनों रो में तीनों तरह की सॉइल ऐड करूंगी मैं, आप बस आगे वीडियो देखते जाइए। सारी की सारी सॉइल बिछा दी है, अब मैं इसके ऊपर करने वाली हूँ वॉटरिंग। जब भी आप सीडलिंग करने के लिए वॉटरिंग करें तो सीड बिछाने से पहले एक बार अपनी सॉइल को मॉइस्ट जरूर करें। याद रखिएगा, इस स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पे, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। स्प्रे बॉटल से लिमिटेड क्वांटिटी में पानी बाहर आता है। हमें जब सॉइल मिक्स में पानी देना होता है तब हमें इतना ही पानी देना है जिससे कि हमारे सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर लेवल मिल सके। यानी कि इतना पानी आपको नहीं देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से बहुत ज्यादा पानी बाहर आना शुरू हो जाए। आपको जरूरत से ज्यादा अपनी सॉइल को सॉगी नहीं करना है। सेकेंड स्टेप की कितना डीप में लगाएंगे हम अपने सीड्स को, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है सभी के लिए कि हम कितना डीप में कौन सा सीड लगाएं। बहुत सिंपल है, आपको आपका सीड बता देता है कि इसे कितनी गहराई में लगाना है। वो कैसे? बैगन, शिमला मिर्च और टमाटर, इनके जो सीड्स होते हैं उनका जो साइज होता है उसे आप आधा इंच गहराई पर ही लगाइए, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जो साइज का सीड जितना छोटा होता है उसके पत्ते स्प्राउट होने के लिए उतने ही कम स्पेस लेते हैं। यानी कि अगर आपने बहुत ज्यादा गहराई में अपने सीड को लगा दिया तो उसे बाहर आने में समय लग जाएगा। ऐसे में जर्मिनेट होने के बाद भी आपका प्लांट जो है वो या तो सॉइल के अंदर दबकर गल सकता है या सड़ सकता है, दोनों ही चांसेस होते हैं। ऐसे में
भिंडी के सीड्स या फिर मूंगफली के सीड्स, क्लस्टर बीन्स के सीड्स या फिर गर्ड्स के सीड्स, यानी कि करेला और तुरई, इनके सीड्स थोड़े साइज में बड़े होते हैं, तो इन्हें आप 1 इंच गहराई पे लगा सकते हो। उनके जब पौधे जर्मिनेट होते हैं तो आराम से सॉइल से बाहर आ जाते हैं। ऐसे में सीड का साइज बता देता है आपको कि उसे आपको कितनी गहराई पे लगाना है। मैंने सारे के सारे सीड्स लगा दिए हैं गाइज, अब इसे मुझे फिल करना है सॉइल से। ये है थर्ड स्टेप, कितनी गहराई लगानी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको कितनी सॉइल इसके ऊपर फिल करनी है। मैं आपसे कहूंगी कि आधा इंच से भी कम लेयर की सॉइल इसके ऊपर भरिए, और इसे भरते वक्त इस पर बिल्कुल भी प्रेशर ना पड़ने दे, ये बहुत जरूरी है। प्रेशर पड़ने से होगा ये कि आपका सीड दब सकता है, ऐसे में उसकी ग्रो होने की अगेन वही प्रॉब्लम कि वो अंदर ही अंदर गल सकता है। आपको हल्के से इसके ऊपर सॉइल बिछा देनी है और बस वॉटरिंग करनी है। अगेन वॉटरिंग करते वक्त आपको फिर से स्प्रे बॉटल का ही यूज करना है, और हमें वॉटरिंग बस इतनी करनी है जिससे कि हमारे सीड्स को भीगने के लिए जरूरी मॉइस्चर मिल जाए। बस सारे के सारे मैंने सीड लगा दिए हैं और इनको तीनों तरह की सॉइल से कवर भी कर दिया है। वॉटरिंग करूंगी मैं अभी। अब जरूरी बात कि इस कंटेनर को हमें कहाँ शिफ्ट करना है और कैसे कैसे इसकी सनलाइट की नीड को पूरा करना है। गाइस, जब भी आप कोई सीडलिंग ट्रे रेडी करें, शुरुआत के 2 दिनों तक उसे शेड में रखिए। शेड का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए। हम रेनी सीजन की सीडलिंग कर रहे हैं तो बारिश के पानी से आपको अपने कंटेनर्स को बचाना है। बारिश का पानी गिरने से प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, जरूरत से ज्यादा पानी होने से आपके सीड गल सकते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बारिश के सीजन में, और जब आपके पत्ते ग्रो हो जाते हैं यानी कि प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, तो बारिश के फुहारों को वो सहन नहीं कर पाते, तो वो फट सकते हैं, टूट सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया है गाइस। देखिए, मैं वॉटरिंग कर रही हूँ, आप मेरी मेथड को देखकर समझ सकते हैं कि मैं कौन कौन सा मेथड किस तरीके से फॉलो कर रही हूँ, कौन से स्टेप को किस तरीके से कर रही हूँ। 2 दिनों तक आपको अपने ट्रेस को, कंटेनर्स को शेड में रखना है। 2 दिनों के बाद आप इसे सनलाइट में रखना शुरू कर सकते हो, क्योंकि 2 दिनों तक अगर आपने इसे पहले सनलाइट दे दी तो आपके कंटेनर की सॉइल में से मॉइस्चर उड़ सकता है, जिसका अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका पौधा ग्रो होने से पहले ही मर जाएगा। लेकिन 2 दिनों के बाद जब आप इसे जर्मिनेट होने के लिए टाइम देते हो और फिर सनलाइट में रखते हो, तो उसका फायदा ये मिलता है कि आपका पौधा आराम से बाहर आ जाएगा और बिना लगे हुए आराम से ग्रो भी हो जाएगा। अब अगर सनलाइट नहीं आ रही है तो क्या करें? रेनी सीजन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि धूप तो निकल ही नहीं रही है, तो हम इन्हें इनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगे सनलाइट की? आप इसे ऐसी जगह पर रखिए जहां पर दिन भर की रोशनी आ रही है। सनलाइट नहीं पड़ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बादल बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने कंटेनर को इस तरीके से रखिए कि इन्हें दिन भर की रोशनी मिलती रहे। जितनी रोशनी इन्हें मिलेगी, इनकी सनलाइट की नीड धीरे धीरे पूरी होगी, और जैसे ही सनलाइट निकलती है वैसे इसे अपने इस कंटेनर को या फिर अपने कंटेनर्स को आप सनलाइट में शिफ्ट कर दीजिए। धूप जितनी भी मिलती है उतनी इसे लगने दीजिए, नहीं मिलती है तो दिन की रोशनी दीजिए। आपका पौधा अपने नीड, जरूरत जो उसकी सनलाइट की है, वो धीरे धीरे उससे पूरी करता रहेगा। लगी यहीं पे होता है गाइस। जब भी हम सीड लगाते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि प्लांट्स ग्रो होने के बाद लगी होना शुरू हो जाते हैं। जरूरत से ज्यादा लगी होने पर वो पौधा आप बचा नहीं पाते, लेकिन अगर आप इन्हें दिन की रोशनी भी देते रहते हो, यानी कि आपको ऐसी जगह से रखना है कि बारिश का पानी ना गिरे पर सनलाइट या फिर डे लाइट इसे मिलती रहे, तो इनके लगी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। गाइज, ये मेथड यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैंने आप लोगों से सब कुछ शेयर किया है स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करूंगी आपको समझ भी लग गई होगी और करना कैसे है अब आपके लिए कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसके बाद वीडियो वीडियो नंबर 5 की सीड्स के जर्मिनेट होने के बाद हमें आगे के मेथड क्या फॉलो करनी है। तब तक अपनी गार्डन का ध्यान रखिए, फ्लावर्स लगाइए, सीड्स लगाइए और कटिंग ग्रो कीजिए। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।